तो आज हमारा भी टाइम आ गया है वैक्सीन लगवाने का। फिनलैंड में भी 25 ईयर्स से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है आज से। तो अभी हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वहाँ पहुँच कर देखते हैं क्या सेटअप है और उसके बाद आपको बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या प्रोसेस है कम्प्लीटली, तो थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं वैक्सीन के लिए। तो अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है और चलते हैं ऊपर शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल के अंदर ही ये वैक्सीन सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर हमारी लोकेलिटी में, तो उधर जाते हैं। और एक और चीज़, जब मैंने अपनी पहला वैक्सीनेशन बुक किया था तो तभी मुझे ऑप्शन मिल रहा था कि सेकेंड वैक्सीन की डेट भी मैं बुक कर सकता, तो वो 2.5 से 3 महीने के बीच में आपको बुक करनी थी, तो मैंने सेकेंड स्लॉट भी अपना बुक कर लिया है। वैक्सीनेशन करने के बाद उन्होंने 15 मिनट लॉबी में वेट करने के लिए बोला, जहाँ पर और भी लोग वेट कर रहे थे। तो वैक्सीन लगा के आ गया हूँ मैं, फाइज़र की वैक्सीन लगाई है यहाँ पर। वैसे नॉर्मली लोगों ने बताया था कि क्यू होती है, लेकिन जब मैं आया तो कोई क्यू नहीं थी, 2 नर्स बल्कि खाली खड़ी हुई थी। तो तुरंत ही मेरे लग गई 15 मिनट पहले टाइम से। तो अब उसके बाद उन्होंने बोला कि 15 मिनट बैठ के चेयर पे वेट करना है, तो सिटिंग एरिया एक बनाया हुआ था वहाँ पे बैठ के 15 मिनट वेट किया और अब वापस घर जा रहे हैं। वैक्सीन तो लग गई है अभी और वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिनलैंड में भी अभी सभी के लिए वैक्सीन फ्री है इस समय, तो बाद का पता नहीं। तो मैंने अपनी दोनों वैक्सीन बुक कर ली हैं, आज पहली तो लग गई है और नेक्स्ट है मेरी सितंबर में। तो वैक्सीनेशन के बाद हम एक इंडियन रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए गए थे लंच करने के लिए। उस रेस्टोरेंट का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोकेशन उसकी चेंज हो गई है, अब काफ़ी बेटर लोकेशन है, सी साइड रेस्टोरेंट है और काफ़ी बड़ा एरिया है उनके पास और काफ़ी सारा चीज़ें उन्होंने मेन्यू में भी ऐड की हैं। तो आज जो जो हमने खाया और क्या मेन्यू था आज का, वो सारा आपको दिखाते हैं वीडियो।
चिली पटाटो, पनीर, आलू दम, अरहर की दाल, चावल, रायता, ये कुछ दाल है, स्प्राउट्स बना रखे हैं और नान और अचार। तो अब हम वैक्सीनेशन और लंच के बाद घर वापस आ चुके हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे मैंने वैक्सीन वगैरह बुक की थी और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर वैक्सीन सभी के लिए फ्री है, तो किसी को कोई भी चार्ज या कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए आपके पास कार नहीं है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आप टैक्सी करते हैं तो उसका भी आप रीइंबर्समेंट केला से ले सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। और जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते, उनको भी फैसिलिटी है कि उनको घर पर वैक्सीनेट करने के लिए नर्स आ सकती है, लेकिन वो फैसिलिटी आपको लेने के लिए आपको कॉल करना होगा और प्रूव करना होगा कि आप क्यों नहीं आ सकते, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, यहाँ का जो हेल्थ प्रोफाइल है आपका वो चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके, क्या हेल्थ इश्यूज हैं, तो उनके पास सब कुछ हिस्ट्री होती है यहाँ पर, तो उसमें चेक करके वो फाइनल करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे आना मैंडेटरी है या फिर आपको घर पे भी वैक्सीन लग सकती है। तो ये तो तीन चीज़ें। उसके बाद वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, तो वैक्सीनेशन बुकिंग का कुछ ऐसा कुछ टिपिकल वो नहीं था जैसे इंडिया में है, सेम ऑनलाइन बुकिंग की थी मैंने। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, फ़ोन के थ्रू भी आप बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आपको होम वैक्सीनेशन कराना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ोन करके। तो मेरा अपॉइंटमेंट था 1:05 का और मैं वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच गया था, तो कोई लाइन नहीं थी। मुझे फ्रेंड्स ने कुछ जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया उन्होंने बताया था कि काफ़ी लंबी क्यू भी हो सकती है, तो इसलिए मैं 15 मिनट पहले पहुँच गया था, लेकिन वहाँ कोई क्यू नहीं थी, तो मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल गई और 15 मिनट पहले ही मेरा वैक्सीनेशन हो गया। और एक फनी थिंग मुझे दिखी इसमें, जो ये कार्ड मिलता है तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि यू डू नॉट हैव टू अवॉइड गोइंग टू सौना एंड एक्सरसाइज। तो ये मेंशन करना फिनलैंड में एटलीस्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिनलैंड के लोग सौना और बाहर घूमना ये चीज़ें काफ़ी प्रेफर करते हैं, जिनमें से सबसे ज़रूरी चीज़ उनके लिए सौना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिनलैंड में 50 लाख की पॉपुलेशन है और उसमें 5 लाख से ज़्यादा सौना है, तो 10 लोगों पर एक सौना है पूरे फिनलैंड में, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सौना है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको जब वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे आपका डेली रूटीन है उसको फॉलो करिए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तब आप उनको, यहाँ पर नंबर मेंशन किया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।